बार की बात है, एक गांव में भोला राम अपनी पत्नी रीमा, बेटी रत्ना के साथ रहता था। भोला राम ने अपनी बेटी रत्ना की शादी उसके पसंद के लड़के गोविंद से कर दी, लेकिन गोविंद बड़ा ही आलसी, घमंडी और बहुत लालची था। उसकी नजर तो अपने ससुर भोला राम के मिठाई की दुकान पर थी और वो सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करता था, जबकि वो दुकान पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए वो घर जमाई बनकर अपने ससुराल में ही रहता था। अजी उठिए, दुकान पर नहीं जाना है क्या? आप जाएंगे तभी तो जमाई राजा को छुट्टी मिलेगी। हाँ हाँ, चाय पिला दो, इसके बाद मैं निकलता हूँ। भोला राम ने चाय पी और तैयार होकर दुकान पहुँच गए। भोला राम अपने जमाई से कहते हैं, जमाई बाबू, आज का धंधा कैसा रहा? तो उनके जमाई, जिनका नाम गोविंद था, वो कहते हैं, बाबूजी, ग्राहक तो जैसे सब गायब ही हो गए हैं, यही कुछ 600 रुपए का धंधा हुआ है। भोला राम कहते हैं, ठीक है, अब तुम घर चले जाओ और आराम करो, मैं यहाँ सब कुछ संभालता हूँ। ठीक है बाबूजी, मैं जाकर थोड़ा आराम करता हूँ, बहुत थक गया हूँ, सुबह से दुकान में मक्खी मार मार के मैं तो बहुत थक गया हूँ भाई। गोविंद दुकान से बाहर निकला और घर जाने के बजाय मौज मस्ती करने के लिए निकल पड़ा। रात को भोला राम दुकान बंद करके जब घर वापस आए तो अपनी पत्नी से कहे, रीमा, जमाई राजा दिखाई नहीं पड़ रहे। रत्ना बेटा, तुमने कहीं जमाई राजा को देखा है? भाई, मैंने तो उन्हें घर जाने के लिए कहा था, अब पता नहीं कहाँ चले गए। गए होंगे किसी जरूरी काम से। आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ये रुपए संभाल के रख दो, 2400 हैं। जब मैं बैठा गल्ले पर तो धंधा बहुत अच्छा हुआ। जमाई राजा ने दोपहर तक सिर्फ 600 रुपए का धंधा किया था। जमाई गोविंद को मौज मस्ती का चस्का लग चुका था। अब वो ना तो हलवाई के कामों पर ध्यान देता था और ना ही ग्राहकों से सीधे मुंह बात करता था। मौज मस्ती करने के लिए कुछ रुपए गल्ले से निकाल कर फिजूल खर्च कर देता था। तो एक ग्राहक आता है और उससे कहता है, भैया, ये बर्फी कैसे दी? 150 रुपए किलो है। इस पेड़े का भाव क्या है? 140 रुपए किलो। भैया, ये जलेबी का? अरे भाई, कुछ लेना भी है कि भाव पूछते रहोगे? चलो जाओ यहाँ से। आ जाते हैं मुंह उठा उठा के। हाँ, मुझे भी तुम्हारी दुकान से कुछ नहीं चाहिए। पहले अपना मुंह सीधा करो और बात करने की तमीज लाओ। बाबू जी ने सबको सर चढ़ा रखा है, अब मैं दिखाता हूँ कि दुकान कैसे चलती है। ए हरिया, सुन, इधर आ। अब से मिठाई में खोवे की जगह मैदा मिला और बाकी की मिठाइयों में भी मिलावट कर, तब मुनाफा ज्यादा होगा। अब भाई मैं चलता हूँ और इस बारे में किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझ गया ना तू? गोविंद ने कुछ पैसे गल्ले से लिए और वहाँ से चल दिया। अब धीरे धीरे दिन ब दिन दुकान से ग्राहक कम होने लगे और सब दूसरे मिठाई की दुकान पर जाने लगे। ये देख अब भोला राम को दुकान की चिंता होने लगी। रीमा, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि जिस दुकान से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी, वो अचानक कम कैसे हो गई? मुझे भी ऐसा लगता है, हमारे जमाई बाबू को धंधे का अनुभव नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। धंधे का हुनर छोड़कर वो बाकी सब कुछ सीख गए। हमारी दुकान की आमदनी कहीं और जा रही है रीमा। नहीं नहीं, आप जमाई राजा पर व्यर्थ ही शक कर रहे हैं, उन्हें खर्च के लिए रुपए तो मैं दे ही देती हूँ। अच्छा, तो वो तुमसे भी रुपए लेते हैं? हरिया ने बताया कि उन्होंने गांव वालों से भी कर्जा ले रखा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कटोरा लेकर सड़क पर बैठना पड़ेगा। अगले दिन गोविंद दुकान में बैठकर सोच रहा था, अब बहुत जल्दी ये दुकान मेरी हो जाएगी, मेरी बुद्धिमानी और मिलावट से अब दुगना मुनाफा होगा। तभी गोविंद का जुआरी दोस्त भीमा दुकान में गोविंद के पास आया और गुस्से से बोला, ए गोविंद, जुए में हारे मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अरे, इसके दुकान की मिलावटी मिठाई खाकर तो मेरी बेटी मुनिया बीमार हो गई। देख क्या रहे हो, मारो इसे। सभी को गुस्से में देख गोविंद घबरा गया। तभी वहाँ भोला राम आ गए। भोला राम ने गोविंद का कर्ज चुकाया और सभी से माफी मांगी और सभी वहाँ से चले गए। भोला राम ने गोविंद से कहा, बेटा, आज से दुकान तुम्हारी, अब तुम चाहे इसे जैसे चलाओ, तुम जुए में हारो या कुछ भी करो, अब मैं इस दुकान की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ता हूँ, अब मैं इस दुकान में कभी नहीं आऊंगा। ये सुन गोविंद की आंखें नम हो गई और उसने बाबूजी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगी। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं मेहनत से, ईमानदारी से काम करूंगा। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी, मेरी आंखें खुल गई हैं, आपने जो भी कहा मुझे सब समझ में आ गया।
मैं ही आलसी था, काम चोर था, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। भोला राम कहते हैं, बेटा याद रखना, लालच का पेड़ कभी अच्छे फल नहीं देता। अब गोविंद के चेहरे से पश्चाताप साफ झलक रहा था। उसने अपने आलस को त्याग दिया और चोरी से तौबा कर ली। लालच को छोड़कर अपने व्यवहार और व्यापार पर पूरी तरह से ध्यान देने लगा और धीरे धीरे लगन और ईमानदारी और बाबूजी के साथ व्यापार को बढ़ाने लगा। आमदनी भी रंग लाने लगी और सारी खुशियाँ उनकी झोली में वापस आ गईं। नकली बहू। एक गांव में सुधा नाम की एक औरत रहती थी। उसे टीवी सीरियल देखने की लत थी। सीरियल को मिस ना करने के चक्कर में वो खाना जल्दी जल्दी बनाकर उसे बिगाड़ देती थी। उसे खाने के लिए उसका पति रमेश और बेटा विकास बहुत तकलीफ उठाते थे। सुधा उनके कमीज पर इस्त्री रखकर भूल जाती थी और टीवी सीरियल देखने में मशगूल हो जाती थी। वो दोनों नए कमीज खरीदते खरीदते तंग आ चुके थे। सुधा का पसंदीदा सीरियल था पगली सास और प्यारी बहू। खासकर उस सीरियल में बहू रेखा से उसे बहुत प्यार था। एक दिन सुधा अपने बेटे से कहती है, देख बेटा, उस लड़की को सास से कितना प्यार है। सवेरे सास को प्रणाम किए बिना कोई काम नहीं करती। सास के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाती है। अपने पति की कमाई भी सास को देने के लिए ही कहती है। यदि वो लड़की मेरी बहू बन जाती है तो मेरा जन्म सफल हो जाए। तुम किसी तरह रेखा से जल्दी शादी कर लो बेटा। क्या बात करती हो माँ, आजकल तुम्हें टीवी सीरियल और वास्तविकता में कोई फर्क नहीं दिखता। वो एक एक्टर है, वो टीवी सीरियल में रेखा का किरदार निभा रही है। वो वही करती है जो राइटर लिखता है। वो सब सच नहीं है माँ। क्यों बेटा, अब मुझे कहानी सुना रहे हो। तुम कह रहे हो कि मेरी रेखा नाटक कर रही है। क्या तुमने कभी देखा है कि उसके आंखों में सास के लिए कितना प्यार और इज्जत है। जब वो उनके पैर दबाती है, मैं वो सब कुछ नहीं जानती। तुम उससे शादी करते हो या मैं मर जाऊं। विकास सर पकड़ लेता है। रेखा को ढूंढते हुए वो मुंबई गया। सुधा बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद विकास रेखा से शादी करके उसे घर ले आया। माँ, ये जिस दूसरे सीरियल में काम कर रही थी वहाँ शादी का मंडप लगा था। पैसे बचाने के लिए हमने वही शादी कर ली। अच्छा किया बेटा, यकीन नहीं आता ये सपना है या सच। बेटी, एक बार मुझे चिमटी काटना। रेखा ने उसके हाथ को पकड़कर जोर से चिमटी काटी। हाय रे, मैं मर गई, अब छोड़ दो, बस बहुत हो गया। सुधा अंदर जाकर आरती की थाली लेकर आती है। विकास सुधा के पैर छूता है। मेरी कमर में अकड़ आ गई है तो मैं आपके पैर छूकर आशीर्वाद नहीं ले सकती। वैसे इस मॉडर्न जमाने में ये धक्के अनोखे रिवाज क्या है। सुधा दंग रह गई। सुधा रेखा से कहती है, बेटी, उस सीरियल में तुम अपनी सास को बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाती हो ना। परसों ही एक सीरियल में खीरा हॉट डॉग खाते हुए देखा था मैंने। उसे खाने के लिए बहुत तरस रही हूँ। बेटी, जरा बना दोगी। उसमें क्या है माँ जी, अभी लाती हूँ। कहकर रेखा चली गई। और थोड़ी देर बाद रेखा दो कुत्तों को लेकर आई। ये लीजिए माँ जी, आपका हॉट डॉग। धूप में बहुत देर से घूम रहे थे तो गर्म हो गए थे, अब खाइए। सुधा हैरान होकर, ये क्या मजाक है बेटी, क्या तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी सास हूँ। और नहीं तो क्या, मैं आपकी बहू हूँ, बावर्ची नहीं। ऊपर से हॉट डॉग चाहिए। हॉट डॉग? उसे यूट्यूब में देखो, सीखो, बनाओ और खाओ। मैंने कभी जिंदगी में रसोई में पैर भी नहीं रखा है। सुधा हैरान हो गई। एक और दिन सुधा, रेखा बेटे, तुम मेकअप तो अच्छा बना लेती हो, हमें शादी में जाना है, क्या तुम मेरा भी मेकअप कर दोगी। रेखा सुधा का मेकअप करती है, उसके पूरे गाल लाल कर देती है और आंखों की चारों ओर काजल फैला देती है। दोनों शादी में गए। सुधा को देखकर दूल्हा दुल्हन भूत भूत कहकर भाग गए। दुल्हन की माँ सुधा से, ये क्या बनकर आई हो सुधा, तुम पागल हो गई हो क्या। कहकर सुधा को आईना दिखाती है। आईने में खुद को देखकर, ये क्या है बेटी। मुझे बस इतना ही आता है, मुझे मेकअप करवाना आता है, करना नहीं। एक दिन सुधा टीवी देख रही थी। रेखा ने आकर टीवी बंद कर दिया। ये क्या है 24 घंटे टीवी टीवी। हाँ, क्या घर में थोड़ी देर के लिए आराम भी नहीं कर सकते। ये क्या बेटी, मैं तो तुम्हारी ही टीवी सीरियल देख रही हूँ, यूँ क्यों चिढ़ रही हो। मुझे उस टीवी सीरियल से ही नफरत है। पैसों के लिए ही करना पड़ता है, वरना उस पागल सास की सेवा करूँ और मैं। हाँ, सुधा को जोर का झटका लगता है। एक दिन विकास सुधा के हाथ में पैसे देकर, ये लो माँ, मेरी तनख्वाह।
तभी रेखा ने आकर उसे छीन लिया और बोली, तनख्वाह माँ को दे रहे हो, एक पांव कब्र में है, अब ये पैसे का क्या करेगी। अब इस घर की जिम्मेदारी मेरी है, अलमारी की चाबी भी मुझे देकर एक कोने में बैठकर राम नाम की जाप करते रहो। सुधा को बहुत गुस्सा आया, ये क्या बकवास कर रही हो, तुम मुझे नहीं जानती, कहकर कोने में पड़ा झाड़ू उठाया। तुम भी मुझे नहीं जानती, कहकर कोने में पड़ा घड़ा उठाया। दोनों लड़ने ही वाली थी कि विकास ने उन्हें रोका। सुधा विकास से, बेटा ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैंने इसे बहू बना के लाने को कहा। सीरियल में बड़ी एक्टिंग करती थी, इसकी मीठी बातों को सुनकर मैं पिघल गई थी। मैं नहीं जानती थी कि ये झगड़ालू औरत है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, अपनी पत्नी से मुझे बचा लो, कहकर रोने लगी। देखो माँ, इतने दिन तुम सीरियल में होने वाले घटनाओं को वास्तव समझकर भ्रम में रह रही थी, अब समझ गई हो ना। मेरी अकल ठिकाने आ गई बेटा, अब से मैं सीरियल को सीरियल की तरह ही देखूंगी, पर इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। विकास रेखा से, रेखा तुम वाकई में एक बहुत बेहतरीन एक्टर हो, मेरी बात मानकर मेरे घर आकर नाटक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पैसे मिल गए हैं ना, अब तुम जा सकती हो। क्या ये सब नाटक था? जी हाँ आंटी, आपके बेटे ने आकर मुझे आपके बारे में बताया तो मैं यहाँ आ गई। मेरे लिए तो टीवी सीरियल सिनेमा या घर सब समान है, परफॉर्मेंस करती हूँ और पेमेंट लेती हूँ, चलती हूँ आंटी, कहकर चली गई। शुक्र है अब कभी सीरियल के चक्कर में नहीं पड़ूंगी बेटा। फिर उस दिन से सुधा सिर्फ कुछ सीरियल देखकर घर का काम करने लगी और बेटे के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने लगी।